हेलो एवरीवन आई एम पवन गहूकर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिफ्टींथ जून 2020 को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन लाया जिसके जरिए आउट स्कीम दिया गया स्टूडेंट्स को जिनको जुलाई में एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है ठीक है लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स के काफी सारे सवाल थे जिसके आंसर्स जैसा मैंने अपने कमेंट्स में अपने फिफ्टींथ जून के वीडियो के कमेंट्स में काफी स्टूडेंट्स के डाउट जितने मुझे मेरे लॉजिक्स के हिसाब से सही लगा मैंने आपको आंसर्स दिए लेकिन कुछ चीजों के लिए मैंने कहा था वेट फॉर द नोटिफिकेशन दो दिन में आपको इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देगा और जी हां हमारे डियर आईसीआई ने थैंक यू आई हमारे डियर आई ने एक नोटिफिकेशन ला दिया है जी हां यस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ठीक है आज ठीक है आज अर्ली मॉर्निंग का ये नोटिफिकेशन है द फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन तो हमें काम करते हैं जल्दी से ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और उसके आंसर देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए दैट वॉट डू वी हैव टू डू राइट सो लेट्स चेक इट आउट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन

लीटर का डब्बा मत ले जाना वहां पे मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस यू हैव हैव टू टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड यू रीच द एग्जाम सेंटर ही करने वाले थे वॉट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाई एडमिटिंग द स्टूडेंट आईसीआई वुड इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सारे स्टूडेंट्स का थर्मल स्कैनिंग होगा सारे स्टूडेंट्स का थर्मल स्कैनिंग होगा students will be hand sanitized before entering into the exam center students will be hand sanitized before and after using the lavatory toilets use karne ke baad students will be admitted only if they are wearing face mask agar koi students galti se bhul jata hai तो ICI provide करेगी फेस क्योंकि students अगर calculator भूल जाते हैं सी exam में तो face mask भूलने की भी ठीक है बिल्कुल ठीक है हो सकता है और आपको proper social distancing maintain करना है Now एक बड़ा सवाल था ये मुझे भी पूछा गया था वॉट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज फीवर विल बी एबल टू राइट द एग्जाम सेंटर जी हां वो एग्जाम लिख पाएगा लेकिन एक कंडीशन है प्रोवाइडेड आ जाता है यहां पे नो सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जाम इफ हैज अ फीवर ड्यूरिंग स्कैनिंग हाउवेवर इफ ए स्टूडेंट प्रोड्यूसेड मेडिकल सर्टिफिकेट अगर स्टूडेंट के पास एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है अगर स्टूडेंट के पास एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास एमबीबीएस डिग्री है उससे ज्यादा डिग्री है अगर उसका सर्टिफिकेट आप ले आते हो तो आपको फीवर होने के बावजूद एग्जाम देने दिया जाएगा मेरा ऐसा ख्याल है अगर आपको फीवर है तो आपने अवॉइड ही करना चाहिए लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको क्लियर कर दिया वॉट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट फॉरगेट्स टू ब्रिंग मास्क एट द एग्जाम सेंटर फोर्थ फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन

टेक ऑल द प्रिकॉशन अब यहां तक तो ठीक था हमें हमें पता था आंसर क्या है जो सेवेंथ इश्यू है सेवेंथ है फॉर द स्टूडेंट हुआ और फॉर ऑल क्या जो एक्सटेंडेड कोर्स है वैसे तो मे 2020 हजार बीस ये आखिरी अटेम्प्ट होने वाला था ओल्ड कोर्स के लिए लेकिन जो ऑप्ट आउट करने वाले उनके लिए नवंबर 2020 का एग्जाम लास्ट एग्जाम होगा नाउ जिन्होंने किया है उनके लिए क्या होगा अगर वो करते हैं जुलाई का एग्जाम देते हैं तो क्या उनके नवंबर 2020 एग्जाम आखिरी एग्जाम होगा देखते हैं यस गाइस, जो लोग एग्जाम जुलाई में अटेंड अटेम्प्ट करते हैं और अगर वो फेल भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो भी आपको एक्सटेंडेड तो भी आपको एक्सटेंडेड

आपको आपको एक और एग्जाम देने मिलेगा नवंबर 2020 विल बी देन योर लास्ट एग्जाम नाउ विल नवंबर 2020 बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट ये भी काफी क्वेश्चन आया था एज पर द डिसीजन ऑफ काउंसिल सिक्स अटेम्प्ट्स आर टू बी गिवन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड कोर्स अकॉर्डिंगली फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑप्ट आउट फॉर मई 2020 साइकिल विल बी ऑटोमेटिकली गिवन एक्सटेंशन अप टू मई 2021 बट

जुलाई वाले जितने परेशान नहीं हैं उतने नवंबर 2020 वाले से ये स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके एग्जाम में भी ठीक है उनके एग्जाम में भी कुछ ऐसा इश्यू आ सकता है उनका ऐसा एप्रिहेंशन है तो ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ मे 2020 ट्वेंटी एग्जाम नाउ जुलाई 2020 ट्वेंटी एस पर स्केड अनाउंसड नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम साइकिल विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर तो इस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि अगर जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है सक्सेसफुली एज पर स्केड्यूल अनाउंस्ड तो नवंबर का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर से स्टार्ट होगा तो उन्होंने एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेटिव पॉइंट छोड़ दिया है यहां पर उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर 2020 से यह एग्जाम डायरेक्टली होगा उन्होंने ये कहा है कि अगर जुलाई एग्जाम हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं तो ये रहेगा तो देयर बट उन्होंने पिछले नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर एक भी स्टूडेंट एग्जाम देगा तो हम उससे एग्जाम दिलाएंगे तो आई आई फील दैट जुलाई एग्जाम हैज टू गो ऑन एज पर वॉट आई सी एस कोटेड टिल नाउ वट विल है रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट कम्स or जोन कंटेनमेंट जोन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन case

आपको नवंबर 2020 में वो ले जाएंगे वट विल हैपन इफ अ पर्टिकुलर सिटी वट विल हैपन इफ अ पर्टिकुलर सिटी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोविड 19. दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मुंबई पुणे एंड डेली ये तीन बहुत मेजर आउटब्रेक्स हैं इंडिया में

काफी बार स्टूडेंट दो पेपर दे पाएंगे तीन पेपर दे पाएंगे एक पेपर नहीं दे पाएंगे या एक पेपर दे पाएंगे तीन नहीं दे पाएंगे तो क्या वो एक पेपर का बेनिफिट मिलेगा जी नहीं नहीं मिलेगा इन केस इनकेसूडेंट विल बी शिफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी विदिफिट ऑफ कैरी फॉर्वर्ड ऑफ फी एक्सामिशन सब्जेक्ट टू सबमिशन फ्रॉम द कंप्यूटेंट अथॉरिटी नाउ नाउ इंपॉर्टेंट चीज उसको बाकी सारी चीजें नवंबर में सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उसका काइंडली नोट दैट स्टूडेंट हैजू राइट कंप्लीट ग्रुप द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर इज नॉट अलाउड तो गाइस आपको एक पेपर लिखने का बेनिफिट नहीं मिलेगा आप अगर लिखोगे तो पूरा ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा तो ही आपको आपको पूरे ग्रुप का बेनिफिट मिलेगा एक पेपर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो भी होगा पूरा ग्रुपवाइज चलेगा ये सिनारियो वट विल हैपन इफ एन स्टूडेंट अपियर फॉर ऑल द पेपर ऑफ वन ग्रुप बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ सेकंड ग्रुप

वो सारी डिग्रीज वाले प्रैक्टिशनर्स का ही सर्टिफिकेट लगेगा इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस द रेसिडेंट रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट फॉल्स अंडर द कंटेनमेंट जोन सब्सिक्वेंटली और इफ इज नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड अदर हेल्थ इश्यूज एज पर द वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट तो अगर आपका एरिया ही कंटेनमेंट जोन में आ जाता है या फिर अगर आप बीमार हो तो ही और आपको कोविड-19 के सिम्टम्स है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आपको बाद में ऑप्ट आउट करने का चांस मिलेगा अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा इफ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन नो सच चेंज विल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर आपको बाद में ऐसा चेंज करना अलाउड नहीं होगा जो भी आपको करना है आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो आपका जुलाई अटेम्प्ट तो गया ये समझो इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने पिछले वीडियो में इसलिए कहा था कि आप ऑप्ट आउट ना करें ठीक है अगर आप सेफ जोन में है तो तो एग्जाम आप पहले ऑप्ट तो आउट ना करें अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आपको फिर वापसी नहीं होगी लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते हो और फिर आप ऑप्ट इन करते हो ठीक है तो वो ऑप्शन ही नहीं आपके पास तो ऑप्ट आउट ना करें एग्जाम अगर आपकी तबियत खराब है आपका कंटेनमेंट जोन है तो वैसे भी आपको नवंबर में वो अलाउ कर ही रहे विथ ऑल देनिफिट सो नॉट टू वरी एटींथ क्वेश्चन इफ एनी स्टूडेंट चूजे ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर एक्शन इन सच केस ऑल स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर एग्जाम एंड द बेनिफिट्स टू बी कैरीडर्ड ऑफ फी एंड एग्जामिशंस एक्सेट्रा सारे सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी कि अगर स्टूडेंट ने अगर ऑप्ट आउट कर लिया और बाद में ट ने पोस्टपोन कर दिए एग्जाम तो सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे कैन द स्टूडेंट कैन अ स्टूडेंट चेंज इज एग्जाम सेंटर आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज नॉट परमिटेड अ स्टूडेंट डिसीजन विल बी टेकन इन टू करेक्शन थ्रू करेक्शन विंडो फ्रॉम सेवेंटीन जून टू ट्वेंटी जून ट्वेंटी बी फाइनल नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड क्वेश्चन ट्वेंटी इज देर एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर विच हैजू बी अपलोडेड वेन आई चूज टू ऑप्टऊट ओनली ड्यूली फिल्ड एंड साइन डिक्लेन इन गिवन फॉर्मैट इज टू बी अपलोडेड इन द करेक्शन रीजन क्या है और फॉर्मेट दिया इंस्टीट्यूट ने वो फॉलो करना है वॉट शुड अ स्टूडेंट डू इन केस विशेष टू चूज ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट डज नॉट है प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल इन हिज होम और नियर बाई मार्केट टू प्रिंट द डिक्लेन इस केस में आपका हैंडरिटन Signed, and all the कि print नहीं है तो हैंड रिटन ही सबमिट कर देंगे विल वाटर भी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग सर्टनली पानी तो वो प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप पियोगे क्या

टू बी ऑनेस्ट आईसीआई थैंक यू सो मच आपने इतने जल्दी वो नोटिफिकेशन लाया जिसके चलते सारे स्टूडेंट्स के आंसर आपने दे दिए थैंक यू सो मच एंड स्टूडेंट्स आई गेस आपके काफी सारे सवालों का आंसर आपको मिल गया होगा इफ नॉट यू कैन कमेंट आई विल मे लू आई सी आई ऑन योर बिहाफ राइट Guys, thank you so much for patiently listening to this video, for patiently watching this video. I am Pawan Gaukar signing off for today. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, wish you all the luck for your preparation. Thank you. Stay stay safe. Start working hard. Bye bye.